200 ग्राम भी रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 200 इंग्लैंड के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को जब पता चलता है कि लियाम लिविंगस्टोन उन्हें टैप करने वाले हैं, तो सूर्य के साथ मस्ती करते हुए वो एक ऐसा शानदार छक्का जड़ते हैं कि देखकर कोहली तो क्या हर कोई पेट पकड़कर हंसने लगता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और मार्करम में से किसकी टीम फाइनल को जीतेगी, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा उसका नाम। 200 भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाने के लिए कहना पड़ेगा कि अकेले रोहित ही काफी थे। विराट कोहली और पंत के सस्ते में आउट होने के बावजूद भी रोहित शर्मा ने बैक टू बैक चौके व छक्के लगाए और एक पार्टनरशिप की तलाश में निकल पड़े जो मिली उन्हें सूर्य कुमार यादव के साथ। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के साथ रोहित शर्मा ने मिलकर इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग करी कि वो कब में कब 57 रन तक पहुंच गए किसी को पता ही नहीं चला। इस बीच में सूर्य ने भी अच्छी पारी खेली और भारतीय क्रिकेट टीम 171 के स्कोर पर पहुंच गई। लेकिन बल्लेबाजी के दौरान एक वाक्य ऐसा भी हुआ था जब दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने कुछ ऐसी बात कही कि रोहित ने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज लियाम लिविंगस्टोन को छक्का मारा, वो भी कहकर। पूरा वाक्य पारी के 12वें ओवर का है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के सामने जैसे ही लियाम लिविंगस्टोन अपनी रणनीति बना रहे थे तो शायद उनके कानों में बात पड़ी होगी या फिर उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि ये उठा के गेंद डालेगा, जिसके बाद वो रोहित शर्मा को नॉन स्ट्राइकर एंड से ही चिल्लाते हुए कहते हैं, रोहित भाई लगता है ऊपर डालेगा। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा का जवाब बड़ा इंस्टेंटली आता है, ऊपर देगा तो देता हूं ना इसको मैं। दोस्तों, रोहित शर्मा ये केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। अगली गेंद एक छोटी गेंद होती है जिस पर रोहित शर्मा अपना फेवरेट शॉट लगाते हैं और गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरती है। ये एक ताबड़तोड़ 92 मीटर का छक्का हो जाता है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने कहकर छक्का भी लगाया, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव की हंसी नहीं रुक रही थी और रोहित शर्मा तो अनस्टॉपेबल बन ही गए थे। रोहित शर्मा अपनी इस इनिंग में 57 रन बनाकर गए दोस्तों, और यही भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की सबसे बड़ी बुनियाद भी बने। इसके बाद हमने मैच तो जीता, लेकिन मैच के बाद इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर मिलियंस में वायरल हो रहा है। वैसे आप सभी रोहित शर्मा के इतने शानदार एग्जीक्यूशन शॉट व कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिल गई है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई इंग्लैंड की टीम को शुरू से लेकर अंत तक काफी ज्यादा परेशान किया और लगातार विकेट निकालने के साथ इंग्लैंड की टीम को पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए और उन्हें ऑल आउट कर दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने साल 2022 में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली 10 विकेट से हार का बदला बड़ी जीत के साथ ले लिया है और फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जिसके बाद अब कप्तान रोहित शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को जीत मिलने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। आज हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम से अपना बदला ले लिया है। आज हमारी टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया है कि यह भारतीय टीम साल 2022 वाली भारतीय टीम नहीं है, बल्कि यह भारतीय टीम साल 2024 वाली भारतीय टीम है, जो अपने प्रदर्शन के जरिए किसी भी टीम को आसानी से परेशान कर सकती है। हालांकि भारतीय टीम ने अभी तक जिस प्रकार से जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उस तरीके का प्रदर्शन कर पाना किसी भी टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन के जरिए विरोधी टीम को आसानी से परेशान किया और मैच में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी और अब यहां पर जीत कर सभी को प्रभावित किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ साल 2022 में जब हमारी टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था तो मैं काफी ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि हमारी टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन जिस प्रकार से हमारी टीम के सामने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड की टीम को आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने हमें इतिहास की सबसे बुरी तरीके से हार का सामना करवाया था, जो हमारे दिमाग में बैठ गया था। लेकिन अब हमारी टीम ने साल 2022 के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद निर्णय लिया कि हम किसी भी टीम से दबकर नहीं रहने वाले हैं, जिसका उदाहरण साल 2023 के वर्ल्ड कप में देखने को मिला और इस बार वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला है। ऐसे में अब सेमीफाइनल में मिली जीत के बाद हमारी टीम का इंग्लैंड से बदला बड़ी जीत के साथ पूरा हो चुका है और अब हम फाइनल में पहुंच गए हैं और यहां पर जीत के साथ हम ट्रॉफी का सूखा
श्रृंखला समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, T20 विश्व कप में जिस मुकाबले का हम एक महीने से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी गुयाना के मैदान पर आ चुके थे जब भारत और इंग्लैंड टॉस के लिए आमने सामने हुई। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने इस मुकाबले में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के खतरनाक गेंदबाज रीस टॉपलिन का स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया था और अपनी और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बटोर लिए और टीम को अच्छी शुरुआत दिला दी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, भारतीय बल्लेबाजों को उनके खिलाफ प्रहार करना काफी मुश्किल हो रहा था। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी जोफ्रा आर्चर के ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 2 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर टॉपली, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन टॉपली ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर इस छक्के का बदला विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर ले लिया था और भारतीय टीम को 19 रनों के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। विराट कोहली टीम के लिए केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 3 ओवर में 21 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर चौथे ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जोफ्रा आर्चर, रोहित और पंत संभल संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर के ओवर में भारतीय टीम ने केवल 8 रन बना पाए। बड़े ही मुश्किल से 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच पाया था। पांचवा ओवर एक बार फिर लेकर आए टीम के लिए टॉपली, इनका स्वागत एक बार फिर रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा इसके बाद भी रुके नहीं, ओवर की चौथी गेंद पर भी करारा प्रहार करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया और छठवें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। कप्तान जॉस बटलर ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद सैम करन के हाथों में थमाई और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी और 40 रनों के ही स्कोर पर भारत के दो खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन चले गए। ऋषभ पंत टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान दे पाए थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अकेले मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सूर्य कुमार यादव आते ही सैम करन के ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 46 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से 7वें ओवर में भी बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। टीम की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए आदिल रोशिद, लेकिन इनका भी स्वागत कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट पर 55 रनों तक पहुंच गया। इंग्लैंड की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए नए गेंदबाज क्रिस जॉर्डन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को अपने शिकंजे में कसने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए ओवर की चौथी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। और 8 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 65 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अचानक फिर मैच में बारिश ने आकर मजा करकरा कर दिया। लेकिन एक घंटे के इंतजार के बाद मैच दोबारा शुरू होता है और रोहित शर्मा इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया था और इंग्लैंड की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए लिविंगस्टन के ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित ने प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। और देखते ही देखते रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब आ गए थे। इसके बाद भी रोहित रुके नहीं, टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए सैम करन की ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 13वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार नहीं बल्कि 110 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन तभी इंग्लैंड की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर आदिल रशीद ने इस बार अपना शिकार ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को बना लिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। रोहित शर्मा के लिए 39 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 57 रन बनाकर वो पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को 113 रनों के स्कोर पर तीसरा
झटका लगता है, लेकिन उसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को भी अपना शिकार बना लिया।